सो गाइस, आई एम श्योर कि आपने बहुत सारे वीडियोस सैमसंग गैलेक्सी Z46 के बारे में देख ही ली होंगी यूट्यूब पर, बट ये वीडियो कुछ डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ उन फीचर्स के बारे में जो कि सोशल मीडिया फ्रेंडली है, स्पेशली सोशल मीडिया में हेल्प करते हैं एंड वो एक्सक्लूसिवली आपको Z46 में देखने को मिलते हैं एंड नॉट इन एनी अदर फोन इन द वर्ल्ड। सो हाय गाइस, दिस इज रचना, वेलकम टू माय चैनल टेक्शा। सो फर्स्ट इज फ्लेक्स मोड, यानी कि आप इस फोन को इस तरीके से यूज कर सकते हैं एक लैपटॉप की तरह। अब इसके कई यूजेस हो सकते हैं, एक तो ये कि आप बिना ट्राइपॉड यूज करें इसको कहीं पर भी प्लेस करके इससे अपनी फोटोज एंड वीडियोज शूट कर सकते हैं, एंड दूसरा कि अगर आप यूट्यूब वगैरह इस पर वॉच करते हैं तो यहाँ पर आपको जो ऐप एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल एक्सक्लूसिव देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक ट्रैक पैड देखने को मिल जाता है एंड ऑल्सो जो वॉल्यूम एंड ब्राइटनेस कंट्रोल्स हैं वो आपको इस तरीके से देखने को मिलते हैं, जो कि आपकी यूट्यूब वॉचिंग एक्सपीरियंस को या फिर कोई भी ऐप जो कि सोशल मीडिया ऐप हो उसके एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी जो इसका फ्लेक्स मोड है वो सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएट करने के लिए सच में बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट फीचर एंड दैट इज कंपोजर। अब जब सोशल मीडिया कंटेंट आपने क्रिएट कर लिया है तो नेक्स्ट स्टेप आता है उसमें कैप्शंस लिखने का, तो ये फोन आपकी उसमें भी हेल्प करता है, क्योंकि यहाँ पर ये आपने पिछली पोस्ट में क्या कैप्शंस डाले थे और बाकी आप इसके अंदर दो तीन कीवर्ड्स अगर डाल देते हैं तो ये पूरा कैप्शन उस फोटो से रिलेटेड आप लिख कर देता है, जिसके लिए आपको नॉर्मली थर्ड पार्टी ऐप्स या फिर कुछ वेबसाइट्स का यूज करना पड़ता है जो कि पता नहीं सिक्योर हो ना हो, तो यहाँ पर ये चीज फोन में ही इनबिल्ट आपको देखने को मिलती है एंड कंपोजर के हेल्प से आप ईमेल्स वगैरह भी लिख सकते हैं। फीचर दैट मेक इट स्पेशली हेल्पफुल फॉर सोशल मीडिया इज द इंस्टेंट स्लोमो मोड। सपोज कि आपने कोई भी वीडियो शूट किया है चाहे वो नॉर्मल मोड में क्यों ना किया हो, लेकिन जब हम उसको स्लो मोड में प्रेजेंट करते हैं तो वो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है एंड उसकी जो स्पेशल मोमेंट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से नोटिसेबल होते हैं। तो आप इसके अंदर सिंपली अपने किसी भी वीडियो को, चाहे आपने उसको नॉर्मल मोड पर क्यों ना रिकॉर्ड किया हो, आप अगर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आप उसे इंस्टेंटली स्लो मोड में चेंज कर सकते हैं। So that too is a great feature on Samsung Galaxy Z Fold 6. Next feature is Portrait Studio. Means अगर आपने अपनी कोई भी फोटो क्लिक की है तो यहाँ AI की हेल्प से आप उस फोटो के कई आर्टिस्टिक वेज में उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि स्केच में, वाटर कलर्स में, एक बस आपको सिर्फ एक सिंगल क्लिक करना है एंड इस टाइप की पोर्ट्रेट्स वगैरह आप जनरेट कर सकते हैं जो कि सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है। नेक्स्ट फीचर इज स्केच टू इमेज, यानी कि अगर आपकी फोटो में आपको लगता है कि काश यहाँ पर एक ड्रॉ होता तो कितना अच्छा लगता, कितनी अच्छी ये फोटो लगती, तो बस इमेजिन कीजिए एंड जस्ट उसकी एक रफ ड्राइंग कीजिए। बिलीव मी, आपकी ड्राइंग चाहे कितनी भी गंदी हो लेकिन इसका गैलेक्सी AI उसे भी समझ लेता है एंड आपके माइंड को रीड करके वही चीज यहाँ पर क्रिएट कर देता है एंड इतनी रियलिस्टिक लगती है कि कोई भी गेस नहीं कर सकता है कि आपने AI से जनरेट की होगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज समराइज, यानी कि आपके सारे सोशल मीडिया कंटेंट को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, उसे समराइज करना है, ये सब कुछ आपके लिए कर देगा। सो गाइज, दीज वर द फीचर्स दैट आई Noticed that specially help in social media content creation, यानी कि content creation और shooting and then editing and uploading तक हर जगह आपको help करता है आपका Samsung Galaxy Z Fold 6। वैसे आपको इसका कौन सा फीचर सबसे ज्यादा पसंद आया मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा एंड अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। सो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड।